एलएमएस कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। हो, वार्डन सविता मांजरेकर बोलते हैं। ओए अरुण, अरुण अक्षय को देखा क्या तूने? नहीं दिपेश, दो दिन से नहीं देखा। उसका फोन भी ट्राई कर रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ कर रखा है उसने। कोई अर्जेंट काम था क्या? भाई मेरी थीसिस लेके बैठा है, मैंने कहा था कॉपी करके लौटा दे, लौटाई नहीं अभी तक उसने। राहुल से पूछा तूने? अरे नहीं यार, अक्षय अभी भी आउट ऑफ रेडार है। यार राहुल प्लीज एक बार और चेक कर, एक बार टेबल और कबर्ड में भी देख। और सुन, येलो वाली फाइल है मेरी थीसिस की। यार दिपेश दो दो बार चेक किया, नहीं है यहाँ पे। नम्रता को ट्राई किया तूने? यार नम्रता भी कहाँ मिल रही है, वो भी तो गायब है दो दिन से, शायद अक्षय के साथ ही कहीं गई होगी। नहीं रे दिपेश, नम्रता ने मुझे कुछ बोला ही नहीं। यार पूजा तुम दोनों रूममेट्स हो यार। ये बात मुझे भी थोड़ी सी ऑफ लग रही है, मैं बाथरूम में थी और 6 जून की सुबह वो कहीं निकल गई और तब से मेरा नम्रता से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ। सेम टू सेम अक्षय का भी यही है। व्हाट्सअप क्या हुआ, कोई टेंशन? यार अक्षय और नम्रता परसों से गायब है योगेश, दोनों के फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। मैंने तो दोनों को कल ही देखा था। कल कब? कल दोपहर को लंच के बाद दोनों के पॉइंट की तरफ जा रहे थे। मैं तो बिना हेलमेट के चलाता नहीं, तो उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया होगा, पर वो दोनों एक दूसरे में मस्त थे। यार मस्त रहे लेकिन स्वस्थ भी तो रहे, मुझे टेंशन हो रही है। ब्रो वो लोग बच्चे थोड़ी ना है। डूड वो दोनों दो दिन से गायब है, दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, ऊपर से तू कह रहा है तूने उन्हें के पॉइंट जाते हुए देखा था, तेरे को नहीं लग रहा कहीं कुछ गड़बड़ है? तो फिर एक बार के पॉइंट होकर आते हैं। कल शाम को मैं जब घर जा रहा था तब ये बाइक यहाँ पे पार्क थी, फिर आज सवेरे मैं ऑफिस के लिए निकला तब भी ये बाइक यहीं पे थी। मेरा माथा थका, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तभी मैंने इनको देखा, वो वहाँ से दौड़ते चले आ रहे थे। ओ दादा, वहां ऊपर दो लाशें पड़ी, एक लड़का एक लड़की। फिर मैंने तुरंत ही आप लोगों को फोन किया। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही गांव में रहता हूँ, मेरा वो शुगर है ना, तो इसलिए मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ रोज, तभी मैंने लाशें देखी। लगता है ये पत्थर यूज हुआ है सर। लड़के का नाम अक्षय भोयर है, शिडी का एड्रेस। और लड़की? लड़की के पास अभी तक तो कुछ मिला नहीं है सर, दोनों के सेलफोन मिसिंग है। सर दोनों एलएमएस कॉलेज देवलाली के स्टूडेंट थे, अक्षय भोयर और नम्रता काले, दोनों हॉस्टलाइट थे और उनके फ्रेंड्स उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। ठीक है ऊपर भेजो।
यस सर, अक्षय और नम्रता हमारे क्लासमेट्स। सर ये सब कैसे हो गया सर? पहले तुम लोग बताओ कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे, अपने आप से या फिर तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ पे कुछ हुआ है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल दो दिन से दोनों गायब थे और इनके सेल फोन भी बंद थे। कल अचानक मैंने के पॉइंट की तरफ आते हुए देखा तो आज मैंने दीपेश को बताया। इनके नंबर्स दो हमें, हम फोन ट्रैक करेंगे। इनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना होगा। इन दोनों में से किसी के भी पेरेंट का नंबर है तुम लोगों के पास? सुनसान एरिया है, लड़का लड़की को अकेले देखकर पहले लूटा होगा फिर मर्डर कर दिया, किसी हिस्ट्री शूटर का काम लगता है। वैसे सर लड़की के कपड़ों की जो हालत है सेक्सुअल असॉल्ट के आसार नजर आ रहे हैं। इगतपुरी के पहाड़ों पर के पॉइंट नामक स्थान पर आज पुलिस को एलएमएस कॉलेज के दो छात्रों की लाशें बरामद हुई हैं। स्टूडेंट्स के नाम है अक्षय बोहिर और नम्रता काले। प्राथमिक जांच रिपोर्ट रेप और मर्डर की तरफ इशारा कर रही है। इस केस को लेकर अनेक सवाल उठ रहे हैं, मुख्यतम ये जोड़ा कॉलेज टाइमिंग के दौरान इस सुनसान जगह पर क्या कर रहा था और वो कौन लोग थे जिन्होंने इन पर ये घातक हमला किया। हम इस ब्रेकिंग स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। दामोदर जी आप तुरंत यहाँ इगतपुरी आ जाइए, आपकी बेटी नम्रता की बॉडी मिली है, मर्डर हुआ है। क्या? ये कैसे हुआ? कहाँ थी नम्रता? मेरे को कुछ मालूम नहीं रहे, पुलिस का फोन आया था। देख देरी आई और मैं अभी इगतपुरी जा रहा है, तू भी आ जा जल्दी। मुकुंद जी हमसे कोई गलती नहीं हो रही, लाश आपकी लड़की अक्षय भोरे की है, उसके कॉलेज और हॉस्टल के दोस्तों ने आइडेंटिफाई भी किया है। आप जल्दी से इगतपुरी पहुंचाइए प्लीज। वो भी मेरे साथ एमएससी केमिस्ट्री में था सर। ये अक्षय और नम्रता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे सर, सबको मालूम था। ये के पॉइंट रेगुलर था इन दोनों का? अब रेगुलर था कि नहीं सर मालूम नहीं, लेकिन ये लोग काफी घुमा करते थे अक्षय की बाइक पर और 6 तारीख की शाम से गायब थे, फोन भी स्विच ऑफ था। 6 और 7 को ये दोनों कहाँ थे अगर हॉस्टल में नहीं थे तो? हमें कैसे पता होगा सर? कल और परसों के बीच अगर के पॉइंट के पास से कोई हिस्ट्री शूटर गुजरा भी हो तो कुटोस साले को। एक एक का राउंड अप हो रहा है सर। चंदर इगतपुरी देवलाली नासिक में जितने भी तेरे खबरें हैं सबको उनका डबल लगा दे काम पर। जी साहब। और जो भी है रडार पर उन्हें मकरन साहब को डिलीवर कर। बस एक दिन का टाइम दीजिए, सबके नाक में रस्सी डाल के हाजिर करता हूँ। मैडम परसों सुबह 6 जून को गई थी नम्रता, मुझे पता नहीं कहाँ के लिए निकली पर वो सुबह ही निकल गई थी। परसों बंक मारा कल बंक मारा, अक्षय के साथ उसका कोई प्लान था क्या? हाँ एक्चुअली उसने कुछ दिन पहले घर जाने की बात की थी। मनमाड़ अपने आई बाबा के घर? बोला तो वही था। मुझे तुम्हारे हॉस्टल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई लड़की रात भर हॉस्टल वापस लाए तो कोई चेकिंग करे कि वो कहाँ थी क्या हुआ है? है मैडम, और नम्रता को मैंने बार बार कॉल भी किया था लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पत्थर पे मिले ब्लड सैंपल्स विक्टिम्स के ही हैं, दोनों का सर पत्थर से ही कुचला गया है। सेक्शुअल असॉल्ट? नहीं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में नहीं, और डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आपको एक दिन इंतजार करना होगा। मौत की टाइमिंग डॉक्टर? यहाँ लाने से 16 से 18 घंटे पहले, मतलब 7 जून को शाम को कोई 6 के आसपास, राइट? जी। एक स्टूडेंट ने कल दोपहर को कोई 2 के आसपास इन्हें क्राइम सीन की तरफ जाते देखा था, परसों और कल। यार तू क्या बोल रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। अब इसमें ना यकीन करने जैसा कुछ भी नहीं बचा। दीपेश और योगेश ने उनकी बॉडीज भी देखी और योगेश ने तो उन्हें कल के पॉइंट पे जाते हुए भी देखा था। मतलब दीपेश और योगेश अभी भी पुलिस स्टेशन में ही है? हाँ, पुलिस उन दोनों की हेल्प ले रही है ये जानने के लिए कि कल और परसों वो थे कहाँ। साहब अपन पॉकेट मार रहे हैं, अपन क्यों किसी का मर्डर करेगा साहब? पॉकेट मारे से मर्डर करने में कब ग्रेजुएट हुआ? ये तो तू हमें टाइम टू टाइम रिपोर्ट तो नहीं देगा ना? साहब बोल तो रहा है अपन, मगर मैं सुन नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ उन लोगों का नाम सुनना चाहता हूं जिन्होंने उन 2 स्टूडेंट्स का मर्डर किया है, और जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे तब तक डंडा चलता रहेगा। काहे को इतनी मेहनत साहब, सब बेकार जाएगा साहब। सीधे मकसूद को उठाइए, वो चैन स्नेचिंग में पीएचडी कर रखा है साहब, उसको सब मालूम है कौन कहां मिलेगा साहब। नम्रता, नम्रता,
हम मनमाड़ के रहने वाले हैं साहब। मेरी छोटी बहन नम्रता यहाँ एमएससी करने आई थी। मैं ठाणे में सर्विस करता हूँ और मेरे बाबा मनमाड़ में। बहुत होशियार थी साहब, वो पीएचडी करने वाली थी। दामोदर जी, सचिन, जो हमें पता चला है अभी तक वो ये है कि नम्रता परसों पूरा दिन अपनी क्लास में नहीं थी, कल भी पूरा दिन वो अपनी क्लास में नहीं थी। एक स्टूडेंट ने अक्षय नाम के क्लासमेट के साथ उसे के पॉइंट पर जाते देखा था कल दोपहर को। सबका कहना है कि अक्षय उसका बॉयफ्रेंड था। आपको पता था इस बारे में? हमें नहीं पता कौन है अक्षय विक्षय। मेरी बेटी को किसने मारा, क्यों मारा? पोस्टमार्टम के हिसाब से कल शाम 6 बजे के आसपास मर्डर हुआ। क्यों मारा, किसने मारा? अरे फूल जैसी बच्ची थी मेरी, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? आपके अक्षय ने आपसे कभी जिक्र किया नम्रता के बारे में? नहीं सर, कभी नहीं। रेणुका, तुम्हारे अक्षय दादा ने कभी तुम्हें बताया अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में? नहीं सर। साहब, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मेरा अक्षय पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार था। विदेश जाके पढ़ने की सोच में था। वो हमारे आंखों की रोशनी था। देखिए मुकुंद जी, आप कह रहे हैं कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता, वहां नम्रता के घर वाले कह रहे हैं कि वो भी इस बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन पूरा कॉलेज जानता है कि अक्षय और नम्रता एक दूसरे से प्यार करते थे, काफी घूमते थे एक साथ कॉलेज के बाहर भी, और शायद इसी सिलसिले में वो दोनों के पॉइंट पर गए जहां उन पर हमला हुआ, और पूरी संभावना है कि कातिल एक ने पूरा का पूरा गैंग हो सकता है। साहब, पिछले हफ्ते से लेकर आज सुबह तक तो मैं नासिक में था। नासिक में कौन बीमार था? तेरी मरहूम नानी या अल्लाह को पहरी दादी? नहीं साहब, मैं सच बोल रहे हैं, मैं काम से गया था। और आप तो जानते हैं साहब, मैं ईमानदारी से चैन तोड़ता हूँ, दो वक्त की रोटी कमाता है चैन से। बाकी मैंने सुना है वो के पॉइंट वाले कांड में किसी ने चैन को टच नहीं किया। मैं होता तो ऐसा मौका थोड़ी छोड़ता। बाकी साहब, मैं मटन नहीं किया साहब, खून देखते चक्कर आते हैं मेरे को, और मटन लेने भी मैं बीवी को भेजता हूँ। साहब, एक नहीं दो मटन किया होता तो मैं घर पे इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलता, कब का फरार हो गया था। बड़ी मेहरबानी की भी तूने मोर, जो फरार नहीं हुआ। अब एक एहसान और कर दे, क्या क्या चोरी किया, कहाँ कहाँ बेचा, सब फटाफट बता दे। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, दो दिन से के पॉइंट के आसपास भी नहीं दिखा मैं। तो कौन था के पॉइंट के पास? साहब ये आपका काम है, आप पता लगा ही ना साहब, मेरे पे गाय को बिल फाड़ रहे हैं साहब। बोला फटाफट, नहीं तो आज शपथ चामड़ी सोलूं गाड़ी लेके काचे। मैं खर्च मत तो सह, मैं गाइस नहीं के ले ले से। मैं तो कब का लफड़ा करना छोड़ दिया मोरे साहब। मैं तो खाली मुंबई गया था, उधर एक आदमी का पैर तोड़ा बस, बाकी कुछ किया नहीं मैं। साहब मेरी गेम तो छुट्टी मना रही है नेपाल में। तू इधर, तू इधर क्या कर रहा है? अबे चंदर, बोला ना ये लाइन छोड़ दिया अपन, एक साल हो गया यहाँ अंडा फोड़ रहा है। देख भाई, वो जो भी है तो साहब लोग को बोल, मेरे को ड्यूटी लगी है, 2 साल तक के सारे शीटर लोगों की लाइन लगा दे। कल्लू, जमाल, सुलेमान, छोटा कैची, लंगड़ा काका, सब लोगों ने हाजिरी लगाई है, तू भी चल। ये बेस्ट है भाई, कपल लोग के पॉइंट पर घूमने को अपना जाता है, मस्ती करता है, और वहाँ उनको कोई खल्लास करता है, और यहाँ पुलिस हमारी ले लेती है। आई एम रियली सॉरी मैडम, मुझे अभी अभी पता चला है इस दुर्घटना के बारे में। दुर्भाग्यवश मैं कल छुट्टी पर थी जब आप यहाँ आई थी। हाँ, नहीं थी आप, और आपका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था सविता जी। स्विच ऑफ नहीं मैडम, मैं आउट ऑफ कवरेज एरिया में थी। नम्रता 6 जून की सुबह को आपके हॉस्टल से बिना किसी को बताए निकल गई, रात भर वापस नहीं आई। आप ड्यूटी पर नहीं थी, आपकी असिस्टेंट ड्यूटी पर थी, पर उसने कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया। आप लोग को चिंता नहीं होती आपकी कोई स्टूडेंट आपके हॉस्टल से रात भर गायब है किसी को बिना बोले? बिना बोले होता तो जरूर एक्शन ले लेते, कॉलेज में कंप्लेंट करते, पुलिस में कंप्लेंट करते, लेकिन नम्रता तो अपने घर गई थी मनमाड़। क्या, नम्रता मनमाड़ गई थी? जी मैडम, 6 जून को सुबह 9:30 बजे नम्रता के पिताजी दामोदर जी ने मुझे सामने से फोन करके बताया था। क्या
प्रॉमिस कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। हेलो सविता मैडम। हो वार्डन सविता मांजरेकर बोलती है। नम्रता काले का फादर दामोदर काले बोल रहा हूँ। मेरी अभी नम्रता से बात हुई है। मैंने उसे वहीं से डायरेक्ट मनमाड़ आने के लिए कहा है। घर पर एक इमरजेंसी हुई है, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाई इसलिए मैंने फोन किया है। ठीक है दामोदर जी, इस बार तो हम चला लेंगे, लेकिन अगली बार कोई भी इमरजेंसी हो तो नम्रता को लीव एप्लीकेशन लिखित में देना होगा, असं फोन वर सांगून चालणार नाही। अब सामने से उसके पिताजी ने ही फोन किया तो हम लोगों को भी कोई डाउट नहीं हुआ। लेकिन सविता जी, नम्रता के फादर ने हमें कभी उसके इस मनमाड़ ट्रिप के बारे में तो बताया ही नहीं। नहीं फोन किया होता नम्रता के हॉस्टल वार्डन सविता जी को 6 जून की सुबह को? नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया। नम्रता मनमाड़ क्यों आने लगी? आपने कहा था घर पे कोई इमरजेंसी थी। आप क्या बोल रही है, घर पे कोई इमरजेंसी नहीं थी। नम्रता तो अभी अभी छुट्टियां मनाने के लिए 2 हफ्ते पहले आई थी मनमाड़ में, और कॉलेज भी अभी अभी शुरू हुआ था। दामोदर जी, पक्का आपने हॉस्टल वार्डन सविता जी को फोन नहीं किया? नहीं सर, मैंने आज तक उनसे फोन पे कभी बात ही नहीं की। या तो नम्रता का फादर दामोदर झूठ बोल रहा है, या हॉस्टल वार्डन सविता झूठ बोल रही है, या फिर किसी झूठे फादर ने दामोदर काले बनकर फोन किया। बेसिकली यहाँ झोल साफ नजर आ रहा है। सर मेरी अक्षय की हॉस्टल वार्डन से बात हुई है, वहाँ पे माजरा कुछ अलग ही है। वहाँ पे सारे स्टूडेंट किसी को भी बिना बताए बाहर जाते रहते हैं। वार्डन से फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी बहुत वार्निंग देता रहता है। सारे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो है यहाँ साजिश की सॉलिड बुआ रहे हैं। शायद इस डबल मर्डर के पीछे कोई प्लानिंग हो सकती है। शायद ये किसी अज्ञात गैंग का इत्तेफाकन हमला ना हो। और शायद इसलिए सर, अब तक जितनी भी हिस्ट्री शीटर्स को तोड़ा है किसी से कुछ नहीं निकला है। फिर से बोल, कहाँ था उसने? अपने ठेले पर था साहब, ऑमलेट पाव बना बना के बेच रहा था। तूने चंदर खबरी को अपना मोबाइल नंबर क्यों नहीं दिया? नंबर होगा तो देगा ना साहब, 1 साल हो गया फोन ही नहीं रखता मैं। आजकल तो अंडा देने वाली मुर्गियों के पास भी मोबाइल होता है साले। साहब अपनी लाइफ अपन को इतना बड़ा अंडा दिए ना कि अपन ये लफड़े का सारा काम ही छोड़ दिया है। सब ऊपर से पंटर लोग अपन को दिन रात फोन करके बोलते रहते थे कि फिरोज भाई इधर हाथ मारने का है, फिरोज भाई उधर हाथ मारने का है। दिमाग का भुर्जी हो गया था साहब, इसलिए फोन ही फेंक डाला मैं। तो सौदा कैसे हुआ? पंटर खुद तेरे ठेले पर आया, भुर्जी खाते खाते सुपारी मिली, लड़का लड़की को खलास करना है, डबल आमलेट? पता नहीं साहब, वो चंदर आपके कान में क्या भर के गया। वो सामने से आके मेरे को बोला कि जनता लोग हाजिरी लगा रही है, तेरे को भी लगाना पड़ेगा। साहब एक टिप दूं, ये काम पंटर बिरादरी का है ही नहीं। तो क्या रिटायर्ड बिरादरी का है? साहब आप मेरे को तो साइड में रखो और 2 मिनट सोचो। अभी वो चंदर मेरे को बताया कि कांड के बाद बाइक वहीं थी और लड़की की गले की चेन नहीं उतरी। अभी साहब कौन पंटर ढक्कन होगा कि ये दोनों आइटम वहाँ छोड़ेगा? साहब पिछले 2 दिन में आप 1-2 दर्जन हिस्ट्री शीटर्स को धो डाला है, लेकिन अभी तक आपको कोई दाग मिला क्या? पुलिस ने इलाके के सारे हिस्ट्री शीटर्स को क्रैकडाउन किया है, फिर भी अभी तक इस सेंसेशनल डबल मर्डर केस में कोई लीड हाथ नहीं लगी है। पर जैसे जैसे वक्त निकला जा रहा है, हमारे सोर्सेस बताते हैं इस केस को लूट के दौरान हुए मर्डर केस ना मानते हुए इन मर्डर्स के पीछे कोई और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही है। आखिरकार इगतपुरी के पॉइंट पर 7 जून की शाम को क्या हुआ था? मैडम मेरा नाम काजल खानविलकर है, वो नम्रता काले मेरी फ्रेंड थी। क्या बोलना है काजल तुम्हें? मैडम वो 6 और 7 जून को नम्रता मेरे साथ ही रह रही थी। अच्छा कहाँ रहती हो तुम? मेरा यहाँ देवलाली में एक रेंटेड रूम है, और मैं भी LMS कॉलेज से MSc केमिस्ट्री कर रही हूँ। अच्छा काजल ये बताओ, हॉस्टल वार्डन सविता जी को फोन किसने किया था? नम्रता के फादर तो साफ मना कर रहे हैं कि फोन उन्होंने नहीं किया था, और उनका ये भी कहना है कि नम्रता का मनमाड़ आने का कोई प्लान नहीं था। तो नम्रता का प्रोग्राम क्या था और उन 2 दिनों में क्या चल रहा था? काफी लोगों को खंगाला सर, एक जेंट्स और एक लेडी कांस्टेबल को के पॉइंट पर कंटिन्यूस मुक्ति में बिठा कर रखा, 2 दिन जाल फेंक। इतनी फील्डिंग के बाद भी
एक भी हिस्ट्री शीटर की तरफ इशारा नहीं हो रहा है। जिसे भी यह कांड किया है हवा हो गया, पर जैसे भी हमारा काम है उसे ढूंढ। डबल मर्डर हुआ, ऊपर से स्टूडेंट्स, एसपी साहब, आईजी साहब, सब पर प्रेशर। साहब एक एंगल बोलूं, डाले चंदर तेरा काम है खबर देना, जो तू अभी तक इतना आसानी से कर भी नहीं पाया। साहब ये खबर नहीं, हकीकत है, हजारों साल पुरानी हकीकत। चंदर ये विक्रम बेताल के किस्से कहानी फिर कभी, सीधा मुद्दे पे। साहब वही कह रहा था, ये हजारों साल का जात पात, लड़की फॉरवर्ड कास्ट की और लड़का दूसरी जात का, ये एंगल टटोलने जैसा तो है ना साहब। नहीं तो मैडम, नम्रता ने मुझे मनमाड़ जाने का कोई प्लान बताया नहीं था, पर उसने कॉलेज से छुट्टी जरूर मारी थी। पर ऐसे छुट्टी क्यों, सिर्फ अक्षय से मिलने के लिए? मुझे मालूम नहीं मैडम, पर अक्षय और नम्रता वैसे भी कॉलेज में साथ में ही रहते थे, फिर सैटरडे या संडे कहीं ना कहीं जाने का प्लान फिक्स रहता था। वही मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सिर्फ अक्षय से मिलने के लिए? नम्रता कुछ बोली नहीं थी, बस इतना बोली थी कि उसका कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा। वैकेशन खत्म हुए 2 हफ्ते नहीं हुए और तूने फिर से छुट्टी मार ली। ले पानी पी। अरे मूड नहीं है ना मेरा, तू भी बंक करना। नहीं यार, आज तो प्रैक्टिकल्स है ना हमारे पॉलीमर्स के, मैं तो बंक नहीं कर सकती। ठीक है अभी तू जा, गुड गर्ल बन, मैं यहीं चिल करती हूँ। फ्रिज में कुछ है ना खाने को? हाँ तू ले लेना, मैं निकलती हूँ। बाय बाय। अक्षय उस दिन तुम्हारे घर आने वाला था, यही प्लान था ना? मुझे मालूम नहीं मैडम, अगले दिन 7 तारीख को नम्रता कुछ 1 बजे घर से निकली ये बोलकर कि वो रात तक वापस आ जाएगी। मुझे लगा अक्षय के साथ गई होगी कहीं। फिर शाम 7:30-8 बजे जब मैंने उसे फ़ोन किया डिनर के बारे में पूछने के लिए, तब उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। और जब नेक्स्ट डे मैं कॉलेज गई तब सब बात कर रहे थे कि 6 और 7 जून से अक्षय और नम्रता दोनों गायब है। मुझे डर सा लगने लगा, पर जब मर्डर की न्यूज़ बाहर आई तब मुझसे रहा नहीं गया। क्या नम्रता ने कभी तुमसे ऐसा कुछ जिक्र किया कि उसकी फैमिली की तरफ से या अक्षय की फैमिली की तरफ से कोई रोक टोक थी या कोई खतरा था? नहीं मैडम। मैं आपको पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट भेज रहा हूँ। डॉक्टर, सेक्सुअल असॉल्ट एस्टैब्लिश हुआ? नो, अटैकर्स ने लड़की पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया है, लेकिन जनरल असॉल्ट काफी हुआ है। दोनों लड़का लड़की ने काफी फाइट बैक किया होगा। शिल्पा, 6 या 7 जून को ना तो नम्रता के फोन से कुछ खास कॉल्स हुए और ना ही अक्षय के। इन 2 दिनों में इन दोनों के बीच आपस में कई कॉल्स हैं और कुछ नहीं है। और सर, इन दोनों की लास्ट लोकेशन के पॉइंट ही थी ना? हाँ, और मुझे लगता है कि कातिल ने मर्डर करने के बाद इन दोनों के फोन स्विच ऑफ किए होंगे और इंस्ट्रूमेंट अपने साथ ले गए होंगे। गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन सविता के लैंडलाइन के रिकॉर्ड्स कब तक आ रहे हैं? कल तक आ जाने चाहिए सर। वैसे नम्रता और अक्षय के सेलफोन इंस्ट्रूमेंट्स को IMEA ट्रैकिंग पर डाल दिया है। नम्रता और अक्षय की कॉल लिस्ट क्लीन है? कुछ ज्यादा ही क्लीन है सर, इसलिए कुछ मेला लग रहा है। क्या नंद? सर 6 या 7 जून को नम्रता के सेलफोन रिकॉर्ड्स में नम्रता के फादर के सेलफोन से या मनमाड़ लैंडलाइन से कोई भी कॉल शो नहीं हो रहा है। अब जब हॉस्टल लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड्स आएंगे तब बात और क्लियर होगी। और सर, जो कॉल हॉस्टल वार्डन सविता जी को किया गया था वो सिर्फ इसीलिए किया गया था ताकि नम्रता रात को वापस हॉस्टल ना पहुंचे तो इस बात को लेकर कोई बवाल ना करे। मुमकिन है, लेकिन एक बात बहुत नामुमकिन सी लग रही है। सारे कॉलेज को इन दोनों के अफेयर की खबर थी, लेकिन इन दोनों की फैमिली बेखबर होने का दावा कर रही है। ऐसा लगता है ये मर्डर लूट के इरादे से नहीं किया गया है। सही फैक्ट तो है कि अक्षय की बाइक और नम्रता के गले की चेन, इन दोनों को किसी ने टच तक नहीं किया है। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि दोनों की कास्ट अलग थी। ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि किस हद तक प्रीप्लान्ड था। क्या इन दोनों को कंटिन्यूस फॉलो किया जा रहा था? 6 जून को भी फॉलो किया गया और 6 जून को ये दोनों मिले नहीं, 7 जून को मिले, और फिर 7 जून को
के पॉइंट पर इन दोनों को अकेला देखकर सही मौका देखकर खत्म कर दिया। अगर ये प्लान किलिंग होती तो फिर पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया गया होता? वो भी एक ऐसा पत्थर जो एक्सीडेंटली वहीं पड़ा रहा होगा। अगर मारने का कंप्लीट प्लान होता तो हथियार भी डेफिनेटली अपने साथ लाए होते, गन, चाकू और भी कुछ नहीं तो कम से कम लाठियां। हो सकता है सर ये लोग पेशेवर हथियारे हों और काफी चालक भी, ये लोग हथियार साथ में लाए होंगे, लेकिन हथियार के बजाय इन्होंने पत्थर यूज किया होगा ताकि हम लोग गुमराह हो जाए और समझें कि ये कोई रैंडम सा अटैक था जिसमें मौत हो गई। मर्डर के बाद लूट नहीं हुई, मर्डर के पहले या बाद में लड़की का रेप नहीं किया गया। बस सर अटैकर्स अपने साथ फोन लेके गए हैं जो कि अभी तक स्विच ऑन नहीं हुए हैं एक बार भी, मतलब सर बेचे नहीं गए होंगे, बस फोन को स्विच ऑफ करके कहीं छुपा दिया गया होगा। तो नम्रता के हॉस्टल जाओ, उसकी रूममेट के साथ डिटेल्ड बात करो। सर अनु तुम कॉलेज जाओ, अक्षय के फ्रेंड्स के साथ अलग से बातें करो, कभी ना कभी किसी ना किसी प्रॉब्लम का जिक्र हुआ ही हो। मैं पेरेंट्स को टैकल करूंगा। पूजा नम्रता की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था वो अपनी सारी पर्सनल बातों को तुम फ्रेंड्स लोगों से तो जरूर शेयर करती होगी। नहीं ऐसा नहीं है कि वो नम्रता हर बात सबको बताती थी, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम होती कास्ट वास्ट की तो पक्का बताया होता मुझे। अच्छा तुम अक्षय नम्रता और तुम सभी फ्रेंड्स बीएससी से साथ में हो या एमएससी में ही मिले? एमएससी में मिले मैम, हम सब अलग अलग जगह से हैं। एक साल पहले एमएससी फर्स्ट ईयर में नम्रता और अक्षय का स्टार्ट हुआ। सर अक्षय काफी हैप्पी गो लकी बंदा था, वो जानता था कि हम जानते हैं उसके और नम्रता के बारे में, लेकिन उसने कभी बताया नहीं ऑफिशियली हमको। और सर ये कास्ट वास्ट की तो कभी कोई बात नहीं हुई, फ्रेंकली स्पीकिंग सर हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, अभी आपने कहा तो माइंड में स्ट्राइक हो रहा है सर। अक्षय के पेरेंट्स का कहना है कि नम्रता के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, पॉसिबल है? सर अब वो कह रहे हैं तो हम बोल नहीं सकते क्या सच है क्या झूठ, लेकिन सच में आज के पेरेंट्स क्या सोचते हैं क्या नहीं समझना बहुत मुश्किल है सर। और आप स्टूडेंट्स एकदम क्लियर हो सोचने में बोलने में करने में, परफेक्ट हो? नहीं मतलब पेरेंट्स को नहीं बताया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो दोनों सीरियस है या नहीं। मतलब टाइम पास चल रहा था दोनों तरफ से? वैसा नहीं, मेरा मतलब अक्षय को लेकर उसके घर में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसकी बातों और एक्शन से कभी पता ही नहीं चला कि उसके घर से कोई प्रेशर है या कोई टेंशन। नम्रता ने कभी नहीं बताया था हमें। और सर बार बार एक ही सवाल हमसे क्यों कर रहे आप? हमने कहा ना आपसे हमें इस सब के बारे में अभी पता चला है सब कुछ हो जाने के बाद। और अगर हमें ये पहले से ही पता होता तो क्या वो ऐसे बिंदास घूमते फिरते? ये कांड भी नहीं होता ना। और सर नम्रता के हमेशा नंबर्स अच्छे आते थे तो हमने कभी चिंता नहीं की लड़कों वड़कों के बारे में। अभी ये सुनकर हमें धक्का लगा है कि उसका पढ़ाई के साथ ये सब भी चालू था। वो जब मनमाड़ के कॉलेज में थी तब भी ऐसा कुछ नहीं किया था उसने, बस पढ़ाई और घर। हॉस्टल की लैंडलाइन के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे कल तक और दूध का दूध पानी का पानी होगा कि वो कौन है जिसने आपके नाम से कॉल किया था 6 जून को, ताकि नम्रता का हॉस्टल वापस लौट कर ना आना किसी को नहीं खटके। तो फिर ये कौन हो सकता है सर? सचिन ये तो वही हो सकता है जो तुम्हारी बहन नम्रता और उसके बॉयफ्रेंड अक्षय पर नजर रख रहा था, पीछा कर रहा था उनका। और वो कौन था ये तो वक्त ही बताएगा। साहब कल ही अग्नि दी है मैंने अपने बेटे को, मैं उसके बारे में झूठ क्यों बोलूं? मैं आखिरी बार आपको बोलता हूं, अक्षय ने नम्रता के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। हाँ साहब, और हमारा बेटा हमें बताता तो उसकी पसंद से हमें कोई आपत्ति नहीं होती, समझदार था, होनहार था हमारा बेटा, अच्छे बुरे की परख थी उसे। आशा जी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ क्या अक्षय ने आप लोगों से कभी किसी खतरे का किसी धमकी का जिक्र किया था, कहीं से भी किसी से भी? ये टिकट लाश के बिल्कुल पास पड़ा था? नहीं सर, थोड़ी दूरी पर था जब हम वो दोनों के मोबाइल फोन्स ढूंढ रहे थे, और वो लड़की की भी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उसे भी ढूंढ रहे थे, वहीं पर मिला ये टिकट। पहले मैंने लाश के इर्द गिर्द मिली चीजों में इस टिकट को भी शामिल कर दिया था, पर डाउट ये था कि शायद ये केस से कनेक्ट ही ना हो, ऐसी पड़ी होगी टिकट।
पर अब जब बात ऑनर किलिंग की चली है तो दिमाग में घंटी बजी। ये नम्रता का भाई सचिन थाने में सर्विस करता है और ये टिकट भी थाने से ही है। हेलो, ये कहाँ का नंबर है? पीसीओ का है। कहाँ के पीसीओ का? देवलाली का है भाई, आपको कौन चाहिए? सर, वार्डन सविता जी को फोन मनमाड़ से नहीं, देवलाली के पीसीओ से किया गया था। जाहिर है दामोदर का लेने तो क्या नहीं होगा। थाने से देवलाली 5 जून का ट्रेन का टिकट है। नम्रता का भाई सचिन थाने में सर्विस करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नम्रता की फैमिली ने हमसे झूठ बोला हो? क्यों, उन्हें कुछ पता नहीं था नम्रता और रक्षा के अफेयर के बारे में? सर, सचिन ने 6 जून की सुबह को देवलाली पीसीओ से अपने पापा दामोदर काले के नाम से फोन किया होगा हॉस्टल वार्डन को। मतलब 5-6-7 जून को ये नम्रता का भाई सचिन यही होगा। और सर, 7 जून को इस जोड़े को पत्थर से कुचलकर मारा गया। सचिन के फोन रिकॉर्ड खंगालना शुरू करो, ये रैंडम किलिंग का केस लग तो नहीं रहा है। देखो, पूरा मनमाड़ खोद डालो। मुझे इस काले परिवार के हर एक मेंबर की एक एक डिटेल चाहिए। उनका यह कहना है कि उन्हें अपनी बेटी नम्रता और अक्षय के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर हमें पूरा डाउट है। हो सकता है ऑनर किलिंग का मामला हो। सर, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, सचिन काले के फोन रिकॉर्ड्स में से कुछ मिला नहीं है। 5, 6 और 7 जून को इसकी लोकेशन देवलाली अगतपुरी नहीं है? नहीं है सर। हालांकि थाने से देवलाली जाने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं ट्रेन से, तो हो सकता है कि इसने अपना फोन थाने में छोड़ दिया हो और 5 जून को यहाँ आकर यह काम किसी और को सौंप दिया हो। चंद्र खबरी से क्या अपडेट? उसके टिप ऑफ से कम 50 हिस्ट्री शीटर को इंटरोगेट किया सर, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। ऐसे कोई हिस्ट्री शीटर है जिन्हें हमने इंटरोगेट नहीं किया, लेकिन उस दिन वो इगतपुरी में मौजूद हो सकते हैं जिन्हें सचिन ने अपना ये काम सौंप दिया? ऐसा कोई भी नाम अभी तक सामने तो नहीं आया। नम्रता का भाई सचिन थाने के जिस ऑफिस में काम करता है, इंक्वायरी करो, बैकग्राउंड निकालो उसकी, हाजिर करो उसे, बात करनी है उससे। क्यों साहब, मुझसे जितना पूछना था उतना तो आपने पूछ लिया। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, कौन है मेरे बहन का हत्यारा और आप कब पकड़ रहे हो उसे? तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब बहुत जल्द देंगे हम तुम्हें, पर उसके पहले हमारे पास तुम्हारे लिए कई सवाल हैं। तो अगर तुम अपनी बहन के हत्यारों को पकड़वाने में हमारी मदद करना चाहते हो तो तुरंत आ जाओ। आप लोग पूरी तरह पागल हो गए हो। आपने मेरे बारे में पता करने के लिए मेरे ऑफिस में किसी को भेजा था? आप लोगों को रत्ती भर की भी शर्म नहीं है? बेटी हमारी मारी गई और आपने हमारे पीछे जासूस लगाए? अरे, नम्रता की मां तक को आपने नहीं छोड़ा? या मोहल्ले में आपके जासूस हमारे बारे में पूछताछ कर रहे सब जगह? दामोदर जी, ये सारा स्टैंडर्ड पुलिस प्रोसीजर है। इतना याद रखिए कि कत्ल सिर्फ आपकी बेटी का नहीं हुआ है, बल्कि अक्षा का भी हुआ है। अगर आप क्लीन हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको इतना पर्सनली मत लीजिए। पर्सनली ना ले मतलब? हमारी पर्सनल जिंदगी यहां पर रौंदी जा रही है और हम इसे पर्सनली ना ले? आपने मेरे बेटे को फिर से इगतपुरी पुलिस स्टेशन बुलाया था, क्यों? क्योंकि हमें शक है कि आपका बेटा सचिन कत्ल के 2 दिन पहले से इगतपुरी में था। हमें यह भी डाउट है कि आपके नाम से जो वार्डन को कॉल किया गया था वो भी आपके बेटे सचिन ने ही किया। सचिन काले हमारी कंपनी में सेल्समैन है और अपने काम में वो काफी अच्छा है। सचिन पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रहा है। वाटर प्यूरिफायर की एजेंसी है मेरी सर। रश्मिकांत जी, 5, 6 और 7 जून को ये सचिन छुट्टी पर था या ऑफिस में था? वो तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट से चेक करके बताना होगा। चेक करके डिटेल्स जितनी जल्दी भेजेंगे अच्छा रहेगा। ठीक है सर, क्या ये सचिन की बहन नम्रता के मर्डर के सिलसिले में पूछताछ हो रही है? बिल्कुल। वैसे सचिन सेल्स में है और अपने कॉल्स पर खुद ही जाता है। अगर वो यहाँ थाने में था तो उसके कॉल्स के रिकॉर्ड जरूर होंगे। मैं तुरंत भिजवाता हूँ सर। हेलो मैडम, पूरी फाइल बना ली है काले फैमिली की। कोई इंटरेस्टिंग काम की डिटेल है तेरी फाइल में? मिडिल क्लास लोग हैं मैडम।
बाप गवर्नमेंट सर्विस में, बेटा प्राइवेट में, माँ घर संभालती है। और पता किया तो पता चला काले फैमिली को अपने बेटी नम्रता के बॉयफ्रेंड अक्षय के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो ये पता कर कि 5-6-7 जून को ये दामोदर कहाँ पर था? यही मनमाड़ में था मैडम। और उसका बेटा जो सचिन है ना, वो थाने में रहता है, वही सेल्समैन की नौकरी करता है। उसकी इन्वॉल्वमेंट है? आप उसे खंगालिए तो मैडम, शायद कुछ निकल सकता है। ये बात तभी मुझे स्ट्राइक हुई थी, लेकिन इतना सबको टेंशन चल रहा था ना, तो मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मेरी समझ में भी तभी नहीं आया था पूजा, क्योंकि जब ये बात सामने आई थी तब मैं वहां थी ही नहीं ना। तुझे लगता है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए? मुझे नहीं पता यार, तुझे क्या लगता है, बता देना चाहिए? एक बार पहले दीपेश से बात कर ले। तू करना दीपेश से बात। ये टिकट तुम्हारा है या फिर उसका है जो तुम्हारे साथ यहाँ आया था नम्रता और अक्षय को खत्म करने के लिए? सर मैंने LMS कॉलेज में कभी एंट्री भी नहीं की सर, ना नम्रता के एडमिशन के वक्त, ना उसके बाद, कभी भी नहीं। मेरे आई बाबा भी बस एक ही बार वहाँ पे गए थे। इसीलिए सर मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि मुझे और मेरे आई बाबा को नम्रता के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और इसीलिए वो अक्षय हमारे ज़िंदगी की असलियत का कभी हिस्सा ही नहीं था। असलियत का हिस्सा ये है सचिन कि अक्षय का कत्ल हुआ है, और ये भी है कि वो तुम लोगों से जात में छोटा था। किसका क्या किसके साथ जोड़कर हमारे सामने रखते हो सर? देखो सर, हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं, किसी का कत्ल करना तो दूर, किसी से ऊंचे आवाज पे बात करने से भी हम कतराते हैं। दूसरी बात जात पात की, सर हम तो वो मानते भी नहीं है। और मैं भी ये नहीं मान पा रहा हूँ कि तुम पूरा सच बोल रहे हो। आप चेक क्यों नहीं करते सर? 5, 6 और 7 जून को मैं थाने में ही था, आप वेरीफाई कर लो। और अगर मैंने ये कांड किया होता या फिर करवाया होता तो क्या मैं ये ट्रेन की टिकट वहीं पे फेंका था ताकि आप लोगों को मुझ तक पहुंचने में दिक्कत ना होती? सचिन तुम हमारे रडार पर, एक हल्का सा भी सुराग मिल गया ना हमें तुम्हारे खिलाफ, तकलीफ होगी तुम्हें। जी हाँ, वाटर प्यूरिफायर के लिए मैंने शार्ट ट्रेडर्स के यहाँ इंक्वायरी की थी, 5 तारीख को वहाँ से उनका आदमी आया भी था। जो सेल्समैन आपके घर आया था, क्या उसका नाम सचिन काले था? सचिन काले शायद वही था, मुझे अभी नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। सचिन काले, नाम तो बड़ा कॉमन सा है, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं कि सेल्समैन वही था या और कोई। सचिन काले नाम का सेल्समैन है जिसकी इंक्वायरी चल रही है। देखिए, इंक्वायरी फॉर्म में अगर सचिन काले नाम डला है तो फिर वही होगा। दीपेश, तुम ये बात हमें आप बता रहे हो और हम इस केस में इतनी माथापच्ची कर रहे हैं। सॉरी मैडम, लेकिन ये बात अब जाकर हमारे दिमाग में, और फ्रैंकली ये बात नम्रता ने हमसे ज्यादा काजल के साथ डिटेल में शेयर की थी। ये योगेश मस्की अभी कहाँ है? कॉलेज में ही है मैडम। हॉस्टेलाइट है या डे स्कॉलर? हॉस्टेलाइट है मैडम। सर, सचिन काले के पर्सनली इस कांड को करने को या उस वक्त वहां मौजूद होने को हमें रूल आउट करना होगा, क्योंकि 5, 6 और 7 जून इन तीनों दिन उसके ऑफिस की कोई छुट्टी नहीं थी और कई कॉल्स भी थे। कस्टमर्स को नाम याद नहीं है पर फिर भी ये कॉल्स पर था। फिर भी हम सचिन को रूल आउट नहीं करते। देखो, ये टिकट एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर हमें गुमराह करने की साजिश हो सकती है, लेकिन ये सचिन को कनेक्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, टिकट पर बुकिंग टाइम और डेट है 5 जून 2:30 PM। मैं एक काम करता हूँ, CCTV फुटेज निकलवाता हूँ थाने स्टेशन से, टिकट नंबर भी है, काफी कुछ क्लियर होगा। गुड आइडिया। सर, एक और एंगल उभरा है, योगेश मस्के। योगेश, ये वही है ना जिसने नम्रता और अक्षय को के पॉइंट की तरफ जाते देखा था 7 जून की दोपहर को? यस सर, और इस योगेश की नम्रता के साथ हिस्ट्री भी रही है सर, फुल टू लट्टू था, कई बार प्रपोज भी किया था। मैडम, ये बात मैंने उड़ती उड़ती सुनी थी, मगर ये बात पूरी डिटेल में नम्रता ने काजल के साथ ही शेयर की थी। कैसी डिटेल्स दीपेश? यही कि योगेश ने एक बार नहीं, 3 बार नम्रता को प्रपोज किया था। सर, हम इतने गोल गोल चक्कर काट रहे हैं और अब पता चल रहा है कि कातिल तो हमारी नाक के नीचे बैठा है। तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं, पूरा जलसी वाला एंगल है।
जी सविता मैडम, मैं नम्रता काले का फादर दामोदर काले बोल रहा हूँ। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई लाशें मिलने के बाद, हम रैंडम रॉबरी के दौरान हुए मर्डर्स और ऑनर किलिंग, ये दो एंगल्स फॉलो कर रहे थे। फिर ये तीसरा एंगल सामने आया, एक रिजेक्टेड और जलन खाए हुए लवर का। उभरते मल्टीपल एंगल्स के साथ ये डबल मर्डर केस हमारे सर पर पहाड़ बन गया था, और हर एंगल से ऐसे सिग्नल्स मिल रहे थे कि बस यही है इस केस की जड़। पर असली जड़ अभी हाथ लगना बाकी थी। जो ट्रेन टिकट हमें क्राइम सीन पर मिला था, वो एक इत्तेफाक नहीं था, उसका बाकायदा इस भयंकर जुर्म के साथ कनेक्शन था। इस ट्रेन टिकट के साथ हम कौन से सफर पर जाने वाले थे, कहां उतरने वाले थे, ये हमें तब मालूम नहीं था, पर इरादा पक्का था कि हमारी मंजिल तक की ट्रेन हम पकड़ कर आएंगे। लेकिन थाने से बाहर कहीं नहीं जाऊं, अपना फोन स्विच ऑफ नहीं रखो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं सर, मेरी बहन का मर्डर हुआ है और मैं उसके कातिल को फांसी पे चढ़ते हुए देखना चाहता हूं। पर ये आप जो शक कर रहे हैं ना मुझ पर, गलत कर रहे हो सर। इस शक को हम अपने तरीके से दूर करेंगे सचिन। अब देखते हैं ये दूर होता भी है या फिर घूम फिरकर तुम्हारे ही पास आता है। 5 जून 2:30 जी लिख ले, सीसीटीवी फुटेज अभी भी हुआ। एकदम अर्जेंट, केस गर्मा गया है, प्रेशर जबरदस्त है। हाँ सर, मैंने अक्षय और नम्रता को 7 तारीख की दोपहर को के पॉइंट की तरफ जाते हुए देखा था। लगभग दोपहर के 2 या 2:30 बजे होंगे, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सब तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन तूने हमें ये नहीं बताया कि तू उस वक्त के पॉइंट के पास क्या कर रहा था। सर आपने मुझसे पूछा नहीं सर। अब पूछ रहा हूँ, अब बता, उस वक्त तू अपने कॉलेज में अपनी क्लास में होने के बजाय के पॉइंट के पास क्या कर रहा था। सर मैं अपना एक पर्सनल काम खत्म करके इगतपुरी से वापस लौट रहा था। मतलब वो वहां से निकल रहे थे, अचानक से तुझे दिख गए, ऐसा कुछ? सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हो? उन पर पत्थर उठाया गया, कुचल दिया गया, हम तो तुझ पर सिर्फ उंगली उठा रहे हैं, इसलिए जो तेरे से पूछ रहे हैं उसका ठीक ठीक जवाब देता जा। तो तू ये कह रहा था कि उन्होंने तुझे देखा नहीं, तुझे पहचाना नहीं, रुक कर तुम तीनों के बीच में बात भी नहीं हुई। मैम दरअसल बात ऐसी कि मैंने हेलमेट पहन रखा था, उन्होंने शायद मुझे नोटिस भी नहीं करा, लेकिन मैंने मुड़कर कंफर्म करा था कि वो वही दोनों, और सर वो दोनों अपने में मस्त है, रुके नहीं, मैं भी नहीं रुका और सीधा देवलाली चला आया। तेरा जो इगतपुरी में पर्सनल काम था, क्या था वो? टिकट बुक करानी थी ट्रेन की। देवलाली रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं बुक होती योगेश? किसी भी स्टेशन पर ट्रेन रुके ना रुके, लेकिन टिकट हर विंडो से कटती है, और तेरी जनरेशन तो सारे काम ऑनलाइन करती है। नहीं किया ऑनलाइन सर, इतना बड़ा गुनाह किया क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझे इस मर्डर में फंसाना चाहते हो? हम नहीं फंसा रहे, तो खुद फंसा था प्रेम जाल में, एक तरफा प्रेम जाल में। नम्रता ने तुझे ना कहा, फिर भी तू बार बार उसे प्रपोज करता रहा। खलने लगी थी तुझे नम्रता और अक्षय की नजदीकी है कि नहीं? पीछा किया, फॉलो किया, शायद कई दिनों तक स्टॉक किया, फिर एक सुनसान सी जगह पर मौका देकर दोनों को खत्म कर दिया। नो सर। उसके बाद अपने इस कांड को ट्विस्ट देने की कोशिश की कि एक अज्ञात गैंग लूट के दौरान दोनों को खत्म कर दिया। तेरा यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया योगेश, और यह तेरी कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है जहां पर तू अपनी गलती को सुधार ले, जहां पर दो दो जाने गई, दो दो सिंध किया। जब के पॉइंट पे वो दोनों रोमांटिक हुए तो तेरे तार सटक गए, चलन हुई, और ये सारे तेजाब तेरे दिल के बिकर में उभरने लगे। योगेश तू यहां क्या कर रहा है? अरे योगेश इतना भी लूजर नहीं होने का दोस्त, पीछा कर रहा है तू हमारा? अरे लूजर मैं नहीं, लूजर तू है समझा, मैंने नम्रता को पहले प्रपोज किया था, तू कहां से बीच में आ गया कबाब में हड्डी? हैं शट अप योगेश, क्या फालतू बकवास कर रहा है? नम्रता तूने मुझे ना नहीं कहा था, ये आ गया बीच में नम्रता। योगेश जा यार, पागल मत बन यार। देख नम्रता मैं तुझे एक बात बताता हूं, मैं ना पहले हाफ पागल था, लेकिन तुम दोनों को किस करते देखना मैं फुल पागल हो गया हूं, मैं बिल्कुल साइको हो गया हूं। योगेश सीन मत क्रिएट कर, ठीक है? जा यार, मेरी बात सुनो। लिसन आई लाइक यू, शट अप प्लीज, मेरी बात सुनो। ए गो, नहीं जाऊंगा मैं यहां से। अक्षय चलते हैं। दिल और दिमाग के सारे केमिकल्स निगेटिव रिएक्ट कर गए, और तूने दोनों को कुचलकर मार डाला योगेश। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो सर? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है?
कुछ भी स्टोरी बनाया जा रहे हो आप लोग। स्टोरी तो तू बना रहा है योगेश, हकीकत तो नम्रता और अक्षय का प्यार था जो तुझसे झेला नहीं गया। हकीकत वो है जो तूने हमसे छिपाई, कि तू लट्टू था नम्रता पर। हाँ लट्टू था, फुल टू लट्टू था, लेकिन किसी साइको की तरह नहीं। मैं उसे जेन्युइनली बहुत पसंद करता था और इसीलिए मैंने उसे प्रपोज भी बहुत डिसेंटली किया था सर। आई डोंट नो व्हाट टू से, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, वी लाइक बेस्ट बडीज। एग्जैक्टली गर्ल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। किसी भी रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो अगर हम इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाते तो कितना कंफर्टेबल होगा हम लोगों को, राइट? नहीं यार योगेश, आई एम सॉरी, तू प्लीज ऐसा कुछ सोच मत, इसका नेक्स्ट लेवल नहीं हो सकता। देख ट्राई किए बिना ना कह रही है, नॉट फेयर ऑन योर पार्ट। देख योगेश, मैंने तेरे बारे में ना कभी ऐसा फील ही नहीं किया, मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। अब देख तू डिसअपॉइंट मत हो ऐसे, प्लीज अंडरस्टैंड नो। मालूम मुझे ना प्रपोज ही नहीं करना था, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। अरे सुन, तेरे दिल में कुछ था, तूने मुझे डिसेंटली और ऑनेस्टली बता दिया, अपने दिल में नहीं रखा और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं किया। आई लाइक दैट अबाउट यू। यू लाइक मी? यस आई डू लाइक यू, बट ओनली एज अ फ्रेंड योगेश, बॉयफ्रेंड के जैसे नहीं। साफ साफ ना कहा था उसने तुझे, फिर भी तूने उसे 3 बार और प्रपोज किया। हाँ मैम, 3 बार और प्रपोज किया था, क्योंकि नम्रता का अक्षय के साथ कोई फ्यूचर था ही नहीं। तू जलता था अक्षय से, इसीलिए तूने खुद ही डिसाइड कर लिया कि अक्षय के साथ नम्रता का कोई फ्यूचर नहीं होगा। क्या फिर तुझे पता था कि दोनों की कास्ट अलग है, इसे तूने नम्रता के भाई सचिन के साथ मिलकर दोनों को मार डाला? कहां से कहां सर, ये कास्ट वाला एंगल कहां से आ गया बीच में? नम्रता का अक्षय के साथ कोई फ्यूचर नहीं था क्योंकि मैं उसे सच्चा प्यार करता था, अक्षय उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। और ये बात ना हम अक्षय से पूछ सकते हैं और ना नम्रता से पूछ सकते हैं, क्योंकि तूने दोनों को मार डाला। मैंने उन्हें नहीं मारा मैडम। और रही बात कंफर्म करने की, तो आप जाके उन दो लड़कियों से पूछिए जिन्हें अक्षय घुमा रहा था जब उसका नम्रता के साथ स्टडी चल रहा था। नम्रता से अक्षय को अलग करने के लिए तूने दो मनगढ़ंत गर्लफ्रेंड खड़ी की, अब उन्हीं का नाम लेके हमें गुमराह कर रहा है। सर आप अपनी गाड़ी फिर से गलत लेन में ले जा रहे हो सर, मैंने नम्रता को ये बात बताई थी पर उसे फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि वो अक्षय को लेकर 100% सीरियस नहीं थी। तो ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं डरा हुआ था, लेकिन अब मैं डरा हुआ नहीं हूँ। और इससे पहले आप लोग मुझसे कुछ और पूछे, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। बता। सर मुझे पूजा से मालूम पड़ा है कि आप गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन सविता मैम से ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि नम्रता का पापा बनके फोन किसने किया था। तूने किया था? जी जी सविता मैडम, मैं नम्रता काले का फादर दामोदर काले बोल रहा हूँ। मेरी अभी नम्रता से बात हुई, वो कॉलेज में थी। हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ गई है तो मैंने उसे घर बुला लिया, उसकी आपसे बात नहीं हो पाई इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूँ। ये फोन करने की कोई खास वजह? जी मुझे नम्रता ने कहा था। रियली? फिर से? यस पोटना, तेरे से बेटर ना मेरे पापा की आवाज़ खुद पापा नहीं निकालते। कुछ भी चल छोड़, तू बोल रही तो जे तो ना भी नहीं कह सकता मैं। बस एक बात बता, इस बार भी तू अक्षय के साथ घूमने फिरने? गोवा। गोवा? देखिए अक्षय है ना बिल्कुल सही। योगेश योगेश अभी नहीं, बाद में करते ना ये सब, तू प्लीज जाके कॉल करना जल्दी। फर्स्ट ईयर में भी कई बार उसने मुझसे ये फोन कॉल्स करवाए। तुझे पता होता था अक्षय के साथ जाने के लिए वो तुझे यूज कर रही है, फिर भी उसके कहने दिल पे पत्थर रख के करता था, लेकिन करता था सर। क्यों करता था? क्योंकि उसका मुझसे पूछना ही मेरे लिए बड़ी बात थी, कुछ होप मिलता था कि शायद एक दिन मेरे साथ घूमने जाने के लिए भी मुझसे ये फोन कॉल्स करवाएगी। और कुछ नहीं तो मैम प्योर दोस्ती में ही कर देता था मैं। घर से इतनी दूर इतना खर्चा उठाकर माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं क्लासेस बंक करने के लिए। एज फैक्टर सर, हॉर्मोन्स, कुछ रिस्की करने का नशा, शायद कहीं और की बगावत किसी और पे निकली हो। वैसे वैसे भी आप ही बताइए, कौन से पेरेंट्स, कौन से प्रोफेसर या कौन सा हॉस्टल वार्डन अपने स्टूडेंट को ये परमिशन देता है कि जाओ बेटा तुम छुट्टी पे जाओ, बंक मारो, 3 दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा घूमा। तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं, अब ये जेलसी वाला एंगल तो हमारे इस केस में फिट नहीं बैठ रहा है। सर इस योगेश मस्के को शायद रूल आउट कर सकते हैं। 7 जून को दोपहर 2 बजे इसका फोन लोकेशन के पॉइंट के पास शो जरूर कर रहा है जब इसने अक्षय और नम्रता को देखा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है सर कि अगर कांड इसे ही करना था तो इसने अपना फोन उस लोकेशन पर 2 बजे ऑन क्यों रखा, और कांड करने के बाद उस फोन को ऑफ क्यों नहीं किया? सर क्या पता योगेश वापस हॉस्टल आया हो और वापस आने के बाद उसका दिमाग ठनका हो, उसे लगा हो कि के पॉइंट पे ये दोनों अकेले हैं, यही अच्छा मौका है, मैं वहां जाता हूं और दोनों को मार देता हूं। वैसे क्या पता के पॉइंट पे जाने से पहले उसे अपना फोन अपने हॉस्टल में छोड़ा हो। तो रूल आउट नहीं करते हैं योगेश को। शिल्पा सर तुम इस पर स्पॉट डाल दो और बाकी स्टूडेंट्स के साथ बात करो। आनंद उस ट्रेन टिकट पर क्या प्रोग्रेस है? फुटेज आ गया सर, आप चलकर देख लीजिए, होश उड़ जाएंगे आपके।
वो टिकट अक्षय ने खरीदी थी 5 तारीख को। जी हाँ सर। क्राइम सीन पे मिला टिकट इत्तफाकन हुआ पड़ा नहीं मिला हमें, वो बाकायदा क्राइम सीन का हिस्सा है। और सर क्राइम सीन पर अक्षय का वॉलेट खाली मिला, बस दोनों के फोन चुराए गए थे। हो सकता है कि वॉलेट खाली करते वक्त ये टिकट हथियारों को मिला हो सर, फिर उन लोगों ने इस टिकट को वहीं फेंक दिया होगा। ये ट्रेन टिकट क्राइम सीन से बरामद तो हुआ, पर ये ट्रेन टिकट क्या क्राइम से जुड़ा हुआ है? क्या अक्षय की ये ट्रेन जर्नी वाकई में किसी चीज से जुड़ी हुई है? सर अक्षय थाने से देवलाली रिटर्न हुआ था, मतलब 5 जून या फिर उससे पहले वो देवलाली से थाने गया भी तो होगा। लेकिन शिल्पा, अक्षय का इस मर्डर से क्या ताल्लुक हो सकता है, वो भी खुद के? कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय ने ही नर्मदा का मर्डर प्लान किया और एग्जीक्यूशन के दौरान अक्षय का भी कत्ल हो गया? किराए के हथियारों से कोई अनबन हुई हो, या जो सीन ऑफ क्राइम क्रिएट करना हो उसमें हथियारों से ज्यादा जोर लग गया हो, अक्षय को सिर्फ इंजर्ड करना हो और उसे मार डाला? अक्षय नम्रता का मर्डर क्यों प्लान करेगा? और सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी प्रेगनेंसी इंडिकेट नहीं हुई है, मतलब ये एंगल भी रूल्ड आउट होता है। सर क्या पता नम्रता अक्षय को लेके सीरियस हो गई हो, क्या पता वो उससे सीरियस कमिटमेंट चाहती हो। अक्षय के भी कॉल रिकॉर्ड से स्कैन करो, 5 जून और उसके पहले के। अगर वो 5 जून या उसके पहले थाने गया है तो किसी ना किसी के पास तो गया होगा। सर थाने में ये सचिन भी तो रहता है, सचिन काले। सर आई एम नॉट श्योर बट मे बी ये ऑनर किलिंग वाला एंगल सही हो, शायद अक्षय नम्रता को लेके सीरियस हो गया हो और वो थाने गया हो सचिन से मिलके नम्रता का हाथ मांगने के लिए, और वहां जाते ही इस इंटरकास्ट इश्यू ने अपना सर उठा लिया हो, दोनों के बीच में झड़प हुई हो, फिर वहां से वापस लौटते वक्त सचिन ने अक्षय के पीछे आदमी लगा दिए हो इस स्टोरी का दी एंड करने के लिए। मैडम अक्षय यहां वहां जाते रहता था, कभी बताता नहीं था, हो सकता है वो थाने भी गया हो। राहुल तुम अक्षय के रूममेट थे, कभी उसने तुम्हें नम्रता के बारे में कुछ बताया? कैसे थे उनके रिश्ते? ठीक ही थे, मैं उनको साथ देखता था, कभी कोई टेंशन नजर नहीं आई, और अक्षय की दूसरी लड़कियों के साथ भी ट्यूनिंग, और नम्रता को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि वो सीरियस सीरियस टाइप है। हम सबको तो लगता था कि इनका कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, फ्यूचर व्यूचर तक कुछ नहीं जाएगा। राहुल क्या ऐसा हो सकता है कि अक्षय नम्रता से बोर हो गया हो, उब गया हो? वो दोनों जबरदस्ती चिपकने टाइप्स बिल्कुल भी नहीं थे, और अगर बोरियत अच्छी हो गई होती तो वो दोनों के पॉइंट क्यों जाते? योगेश ने तो उन्हें साथ में जाते हुए देखा था। पर योगेश तो नम्रता को लेके काफी सीरियस था ना। अच्छा क्या कैंपस में कोई ऐसा है जो ये बातें कर रहा हो कि योगेश का कोई हाथ हो इस डबल मर्डर केस में? योगेश क्लासमेट है, उसके बारे में ऐसी बातें कोई नहीं करेगा। हाँ लेकिन ये फैक्ट है कि योगेश बड़े देवदास से मूड में रहता था। यार योगेश तू क्यों मेरे लिए फील्डिंग कर रहा है, प्लीज ऐसा मत करना। देख पूजा है, सुनीता है, वो 8 साल की मंजरी तो क्रेजी है तेरे पीछे, ट्राई करके देख, ऐसी लड़कियां फिदा होगी तुझ पे। देख फिदा तो मैं हूं, मेरा दिल तो तुझ पे आया है। तुझे पता है ना मेरा अक्षय के साथ सुपर से भी ऊपर चल रहा है। देख सुपर से ऊपर का पता नहीं, पर ये पता है ऊपर ऊपर से चल रहा है। तुझे मालूम होना चाहिए ये लोग कैंटीन में क्या बातें करते हैं, अक्षय प्रतीक्षा जेनी और अंकिता के बारे में जो बोलता है ना वहीं खड़े खड़े रो देगी तू। तो मुझे इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहा है? नो नॉट एट ऑल, मत कर, क्योंकि ना मुझे अक्षय को हैंडल करना अच्छे से आता है। देख मेरा क्या है ना, मैं ना लड़कों को ना ऊपर ऊपर रखती हूँ और अंदर से ना सिर्फ अपने करियर और अपने स्टडीज के बारे में सोचती हूँ दूर तक। तू किसे घुमा रही है, मुझे मालूम है अक्षय ने तेरे ऊपर जादू कर रखा है। अच्छा मैं तुझे एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं जब अनमाड़ में थी ना वहाँ पे भी एक लड़का था सतीश करके, ऐसे ही मतलब यू नो मूवीज देखने चले गए, पिकनिक्स पे चले गए, बाइक राइड्स वगैरह, और फिर जब ग्रेजुएशन हुआ तब टापटा नमस्ते, कोई हार्ड फीलिंग्स भी नहीं। तू ना अभी तक अपने एग्जैक्ट मैच से मिली नहीं है। नहीं एक्चुअली तू मिली है पर तू पहचान नहीं रही है, तू पहचान भी रही है पर तू एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मिले। अब तू मेरी बात सुना, वो जो मंजरी है ना हाँ। वो ना एक पैर एक अंगूठे पे खड़ी है कि कब तू उसे प्रपोज करे, कब वो हाँ बोले। कितनी बार समझाया ना बेटा, मत जाओ अक्षय के साथ, वो सही नहीं है तेरे लिए, लेकिन नहीं समझी, नहीं सुन, देखो क्या नतीजा हुआ। कुणाल देवरा तुम थाने में रहते हो? जी सर। अक्षय के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि 4 जून को तुम्हारी उससे बात हुई थी।
वो एक्चुअली सर हम लोग दोस्त हैं शिरडी से, जहाँ से हम दोनों बिलोंग करते हैं। क्या बात हुई थी? वो एक्चुअली सर वो मुझसे 5 जून को मिलने को भी आया था। कुणाल, बात क्या हुई थी और क्यों मिलने आया था वो तुमसे? सर मैं सेप्टेम्बर में US जा रहा हूँ, वहाँ की KLM यूनिवर्सिटी में मेरा PhD में एडमिशन हो गया है, तो कुछ टिप्स वगैरह लेने के लिए आया था वो, क्योंकि उसको भी 2018 में सितंबर में वहाँ अप्लाई करना था ना। तुम उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाए ना, जान सकता हूँ क्यों? नहीं जा पाए सर, वो पेपर्स में कुछ ज़्यादा बिजी हो गया था जो यूनिवर्सिटी भेजने थे। मेरे लिए शौक बहुत बड़ा है सर, किसी ने उसका और नम्रता का मर्डर कर दिया। ये अक्षय और नम्रता के बीच कोई मनमुटाव था क्या? ऐसा कभी कुछ शेयर किया उसने तुमसे? नो सर, अक्षय ने मुझे कभी नम्रता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो तो उसके मर्डर के बाद मुझे पता चला कि नम्रता उसकी गर्लफ्रेंड थी। सर हमने ऑनर किलिंग एंगल एक्सप्लोर किया, कैंपस पर लव ट्रायंगल वाली पॉसिबिलिटी भी टटोली, जिसमें दोनों विक्टिम्स के एक फ्रेंड की जेलेसी फैक्टर स्ट्रांग है। सर केस शुरू होने से अब तक हमने कम से कम 100 हिस्ट्री शीटर्स की क्वेश्चनिंग की है। डम डेटा एनालिसिस से क्या निकला? सर के पॉइंट और उसके आसपास के एरिया का डम डेटा 3 बार स्कैन किया, लेकिन अभी तक कोई भी सस्पिशियस कॉल फीचर नहीं हुआ सर। और सर नम्रता और अक्षय इन दोनों के फोन भी अभी तक स्विच ऑन नहीं हुए। IMEI ट्रैकिंग से भी 1 सेकंड के लिए नजर हटी नहीं है सर अभी तक। आज के पेशेवर क्रिमिनल्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि IMEI ट्रैकिंग से वो बड़ी आसानी से पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये कांड किसी शातिर क्रिमिनल ने किया है, जो क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के बारे में फर्स्ट हैंड जानता होगा, जो लास्ट मिनट पर पैनिक हो गया होगा, जिसकी वजह से चैन वॉचेस और बाइक नहीं ले जा पाया। सर नम्रता और अक्षय इन दोनों की बैकग्राउंड चेकिंग की, दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है, ब्राइट स्टूडेंट थे, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी रहे थे। मतलब सम टोटल ये है कि इतनी सारी टीम्स ने इतने सारे एंगल्स टटोले पर हाथ में कुछ भी नहीं आया। ये नहीं चल सकता। लड़का और लड़की उस खूबसूरत स्पॉट पर गए, जाहिर है रेगुलर होंगे, फर्स्ट टाइम तो नहीं होंगे। मैंने देखी है वो जगह, काफी सुंदर है, वहां और भी कई फैमिलीज और कपल्स जाते होंगे। जाते थे सर, लेकिन अब इस कांड के बाद कोई नहीं जाता। पब्लिक को वहां वापस जाना चाहिए मकरन, वरना ये हमारी फेलियर होगी कि क्रिमिनल्स इस बात को डिसाइड करें कि कौन से स्पॉट सेफ हैं और कौन से नहीं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अक्षय और नम्रता बाइक से इस के पॉइंट पर गए, बाइक उन्होंने नीचे पार्क की और फिर उस खूबसूरत स्पॉट पर जाकर बैठ गए। तभी पास पड़ा पत्थर उनके सर पर आकर बरसा, दोनों का मर्डर हो गया। लुटेरे थे, सुपारी किलर्स थे, या फिर कोई जान पहचान के थे, वी डोंट नो, पर जो भी थे, इस डबल मर्डर के बाद वो क्रिमिनल्स उसके पॉइंट से निकले हाईवे की तरफ, अपने इगतपुरी की तरफ, जहां भी गए किसी ने वहां पर कुछ तो जरूर देखा होगा। गाड़ी यहीं आके रुक जाती है सर, इंफॉर्मेशन इनपुट निल है, कंप्लीट जीरो। लोग इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे तो हम उसे खरीद लेंगे। इनाम पोस्टर छपा कर लगवा दो इगतपुरी, मनमाड़, नाशिक, शिरडी, आसपास के सभी इलाकों में। 40,000 रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस कर दो, फिर देखते हैं इन्फॉर्मेशन है नहीं या बाहर नहीं आ रही। इस केस में हमारी असफलता को मीडिया उछाल रही थी और हमें आईना दिखा रही थी कि हम कत्ल हुए इस जवान जोड़े के अधमरे परिवार वालों को इंसाफ नहीं दिला पाए थे। दूसरी ओर उस जोड़े के माँ बाप जितने कम में थे उतने ही अचरज में, ये जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो किसी ने उनके बच्चों को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया। हमें उमड़ती दहशत की लहर को रोकना था, लोगों का प्रशासन और कानून पर से जो भरोसा टूटा था उसे दोबारा से जोड़ना था। इन दो होनहार पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की हत्या का केस हमारे लिए चुनौती थी, अक्षय और नम्रता के हत्यारों को पकड़ना हमारे वजूद को ललकार थी।
एक भी रिस्पॉन्स कॉल नहीं? नहीं सर, मकरन सर के यहाँ पर भी नहीं। क्या हो क्या रहा है कामले? लोग सच में नहीं जानते हैं या फिर बताने में डर रहे हैं? मैडम, इस डबल मर्डर के कारण पब्लिक तो डरी हुई है, लेकिन पूरी क्रिमिनल दुनिया भी हमारे तहकीकात से डरी हुई है। हमने इतने लोगों को अंदर लेकर धोया है कि अब ये भाई लोग भी किसी का नाम लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। अगर गलत निकला तो बंदे को बेकार में पड़ेगी। ईमानदार उठकी, ईमानदार उठकी, अभी नहीं उठेगा ना तो बजाऊंगी कान के नीचे, उठ। भाई सोपू देना। पूरी जिंदगी यही करेगा, पीना खाना सोना। हाँ कल रात को कितना पीकर आया रे तू, हाँ और क्या बकवास कर रहा था। चल उठ, चल उठ और काम पर जा। मेरा सर फूट रहा है, तू चाय बनाना। तेरे बाप का होटल है, चल उठ और नहा, नहाने के बाद मिलेगा नाश्ता पानी। ए मंगेश बाड़ा, साले ने मेरे थोपड़े पे लिखा है क्या रिफंड कामरे? अरे कामरे साहब सुन। ए रुपए, पहले 5,000 फिर 3 फिर 2 और वो डबल मर्डर के बारे में एक भी खबर नहीं दिया है। अरे कामरे साहब, एक तो पहले सब बड़ी है और जब से वो इनाम का पोस्टर निकला है ना, तब से सबकी आग डबल और कान टिबल हो गए। फिर भी कोई पक्की टिप देने को तैयार नहीं है। अब ये खबर तो सामने से आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना उसमें। मेरे को शेंडी मत लगा। अरे ये पोस्टर देख के स्टोरी बना रहे हैं ना तुम लोग। आप चाहिए तो पहले खबर पक्की कर लो, उसके बाद में टिप दे देना। पहले बोल कौन है नया पंटर और क्या बोल रहा था? कामले साहब, लड़के का नाम है मंदार शिरके, मतलब ऐसा कॉलर लड़का है ना, पर मजबूत भी था। ए, मैं यहाँ पे रिश्ता नहीं ढूंढ रहा हूँ। साहब वो लड़का पोस्टर देख के कुछ बड़बड़ा गया, एक तो फुल टाइट था, कुछ तो ठंडका होगा उसके दिमाग में, तभी तो बोला। सर ये मंगेश और बाड़ा मेरे ही चाली के लड़के, हाफ टाइम खबरी और फुल टाइम बेवड़े। एग्जैक्टली क्या बका है मंदार? सर बका वका कुछ नहीं है ऐसे, बस कुछ जिक्र किया। ए मंदार, कब से घूरे जा रहा है पोस्टर को? मंगिया, ये पुलिस वाले सच में इनाम देते हैं क्या? अरे उनको देना ही पड़ेगा। अंदर तेरे कुछ मालूम है ना? अरे नहीं रे बाला, पागल है? मैं तो बस सोच रहा था एक टाइम में हाथ में 40,000 आएगा तो धमाल नहीं। बता ना एगान क्या साला, तेरे को पक्का कुछ मालूम है? देख देख कैसे नजर चुरा रहा, देख। 4 हफ्ते हो गए वो के पॉइंट के कांड को, तब से इसने उस बारे में एक शब्द नहीं बोला। चलो तू आज इनाम की बात कर रहा है, देख जो तेरे को मालूम है ना सीधा सीधा पुलिस को बता दे। टेंशन मत ले, हम लोग हैं ना तेरे पीछे। नहीं रे तो बस ऐसे पोस्टर देख के सुन ना यार, पीना। ये बंदा लोकल लड़का है या फिर कहीं बाहर से है? नहीं नहीं सर, लोकल लड़का है, मेरे घर से 2 चाली छोड़कर रहता है। उठा लो उसे, लेकिन एकदम चुपचाप। मंदार क्या हुआ? अबे पंकज रुक ना यार, चल ना काम है। क्या काम है? अबे चल तो सही। अरे किधर लेके जा रहा है? अरे अंग्रेजी बुला रहा हूँ तेरे को, आज मेरे पास तो नोटों की गड्डी है, वो भी गर्मा गर्म। चल अच्छा बैठ, आज एकदम स्टाइल से जाएंगे हम लोग। हाँ ये तेरे लिए बुक किया मैंने। इतना पैसा किधर से है तेरे पास? चल ना बैठ ना। अरे कामले बाबू तुम ही बैठ। सोडा पानी या फिर आइस मंगवाऊं? पर तू मुझे नीट वाला लग रहा है, चल ले चेस कर। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। के पॉइंट पर क्या क्या हुआ था सबको साफ साफ बता दे। देख ये पूरी बोतल तेरी, उसके बाद इनाम भी मिलेगा तुझे, तू चिंता मत कर। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे घर जाने दो साहब, मुझे घर जाने। बस साले तू बोलेगा तो तेरे को घर जाने देंगे ना? बोल तेरे को क्या मालूम है, बोल। वो मंगेश और बाया को बोला था ना तू, 40,000 की लाल टपकी थी ना तेरी, बोल। कमले देख मंदार, मेरी गारंटी है तुझे कुछ नहीं होगा, तू जो भी जानता है हमें बता दे। जिन्होंने भी ये किया है वो आजाद घूम रहे हैं और ये हम सबके लिए ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घर जाने दो, मुझे नहीं पता क्या चाहेला। अपने एकतपुरी मार्केट में एक इलेक्ट्रिकल वाला अश्विन परचुरे, उसको मालूम है साहब। क्या मालूम है उसे? वो नहीं पता। ए कामरे भाऊ खरो सांगतो है, उसने मुझे उस दिन बोला के पॉइंट पे जो मर्डर हुआ उसके बारे में उसको कुछ तो मालूम है, पर क्या वो सब नहीं बोला साहब। इसके आगे अब तुम दोनों जाओ और इस अश्विन को बड़े प्यार के साथ कली तक लेकर आओ।
अश्विन क्या वाला गाय मंगेश आज इधर कैसे? अरे वो चलना जरा काम है। अरे अब क्या बिगड़ गया तुम लोगों का? इलेक्ट्रिकल काम नहीं है? हाँ अरे कुछ पर्सनल काम है, चलना। चल 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 शर्ट पहन ले फटाफट। रुक एक मिनट शर्ट पहन ले। अरे लेकिन ये तो पता जा कहाँ रहे हम लोग? चलना भाई। बस क्या काम ले बाबू, अभी कोई नहीं मिला तो मेरे को ही उठवा लिया। अरे मेरे को क्यों फंसा रहे हैं इन सब चीजों में? ए, इसने बोला है मैं कि तूने इसे बोला है कि के पॉइंट डबल मर्डर केस के बारे में कुछ जानता है तो? मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता नहीं ये क्या बकवास कर रहा है। मंदार क्या बोला था तेरे को? साहब आप क्या बोले थे? मेरा नाम बीच में नहीं घसीटेंगे। मेरी तो एक छोटी सी दुकान है बस, मैं वो बिजली वगैरह का सामान बेचता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ साहब। अश्विन गलत मालूम होकर भी कुछ नहीं करना वो भी गलत है। बस क्या काम ले बाबू, आप लोगों के थाने से सामने से गुंडा लोग ना हफ्ता लेके जाता है वही फल फ्रूट वालों से, आप लोगों को पता है ना सब, बंद हुआ के आज तक हफ्ता जाना। पब्लिक लोगों के दिल में ना गुंडा लोगों के लिए दहशत भरी हुई है, आज भी अगर गली में कोई गुंडा पैर रखता है ना तो पब्लिक लोगों का पैंट गीला हो जाता है। बोलना आसान है साहब, बस सबसे आसान काम देता हूँ तुझे, बोलना बोल दे जो भी मालूम। साहब मेरे को नहीं पता, सच में नहीं पता कि ये बेवड़ा आप लोगों के सामने क्या मुंह फाड़ा है। साहब आप लोगों के लिए आसान है ना किसी को भी उठा के ले आना, लेकिन अभी अगर चौल में पता लगेगा ना कि इस केस के चक्कर में आपने हम दोनों को उठा के यहाँ पे लेके आया तो मैं इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ कि हम दोनों का डबल मर्डर जरूर हो जाएगा साहब। अबे इतनी बक बक कर रहा है, मर्डर तो तेरा यहाँ भी हो सकता है, अगर नहीं बोलेगा तो बोल। अश्विन तू बोल, तू बोलेगा तो दो चीजें होंगी, एक अगर तेरी खबर सही हुई पक्की हुई तो हथियारे पकड़े जाएंगे, वो पकड़े गए तो इनाम के 40,000 मिलेंगे तुम दोनों को, तुम दोनों घर जा सकोगे, पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी, तो अगर नहीं बोला या झूठ बोला तो हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और पूरी चौल के लोग पीछे होंगे और वो हथियारे भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी पीछे होंगे। साहब 7 जून की रात को मैं रोज की तरह करीब 9:30 बजे दुकान बंद करके चौल वापस जा रहा था, तभी ये भी था मेरे साथ, और वो वर्तक गली है ना वहाँ पे हम लोग जैसे ही मुड़े चौल के लिए आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि सामने इधर गाय को भाई वो दुकान बंद करके आ रहे थे। गाय को घूर घूर के देख रहा था हमारी तरफ? देख नहीं रहे थे हम लोग, हम लोग तो बस घर जा रहे थे, जा रहे हैं हम लोग घर जा रहे थे। चल तेरे शाड़े चौपर नहीं देगा तू कभी, हैं दिखाऊं तेरे को कैसे चलता है वो, दिखाऊं अभी। मैं सुन अश्विन, लाला के मेडिकल स्टोर जा और दवाई और पट्टी लेके आ, चल निकल। और तू मंदार के बच्चे उसके साथ जाएगा, और दोनों एक बात ध्यान से सुन लो, अगर वहाँ से कटे ना कसम से बोल रहा हूँ दोनों का भूसी पाव बना के बेच दूंगा ठेले पे, चलो जल्दी कट लो फटाफट। फिरोज खान और मुश्ताक पठान? जी सर। ये फिरोज तो ऑमलेट की गाड़ी लगाता है ना? जी। इस फिरोज को तो मकरन सर ने उठाया था? हो साहब, मकरन साहब के लॉकअप में उसे काफी तोड़ा था। अरे मुश्ताक कौन है? साहब ये मुश्ताक तो हमारे पास की गली में रहता है, पर इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है साहब। चारे क्या क्या देखा तुम लोगों ने? कुछ नहीं देखा भाई। अबे खून देखा, चौपर देखा, मुश्ताक को मार लगी ये भी देखा, लेकिन एक बात अपने भेजे में डाल लेना कि तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, समझ में आई? अगर तुम लोगों की जबान सपने में भी खुली ना तो कसम से कह रहा हूँ दोनों के गले कटेंगे, और जबान जो है ना जबान यहाँ नेकलेस की तरह लटकेगी इधर ऐसा, समझ में आई? समझा तू? हाँ।
चल अभी कट यहाँ से निकल। साथ मामले की चौल में रहते हो और एक बार भी नहीं सोचा कि पुलिस की मदद करनी चाहिए। के पॉइंट के डबल मर्डर को लेकर बंदे दिन रात लगे हुए। फिरोज भाई एक बार धमकी देता है ना तो कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता। कई बार तो वो जेल जा चुका है साहब। एक एक लूट में तो एक नहीं दो दो औरत के हाथ और कान काट लिए थे उसने। अगर उसको पता लगा ना कि इस केस के चक्कर में आपने हम दोनों को एक साथ उठाया तो वो सब समझ जाएगा साहब। वो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। एक तो फिरोज और मुश्ताक को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि हमने अश्विन और मंदार को उठा लिया है। और दूसरी बात, इन दोनों को तुरंत धर लो। खबरी चंदर को काम पे लगा दो तुरंत। फिरोज खान, वो ऑमलेट वाला, तुमने उसकी क्वेश्चनिंग भी की थी। ये तो हलवा गया, सोचो। बहुत ज्ञान दे रहा था साला, दो चार हाथ भी रखकर दे दिए थे उसको और हाथ से फिसल कर गायब हो गया। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई सर हमसे। उसे कूटना नहीं पीसना चाहिए था। तेल निकलते साले का सच भी बाहर आता। केस कब का क्लोज हुआ होता सर? इस एक आठवीं फेल बंदे ने हमारी तीन तीन टीम्स को गोल गोल घुमाया है और अब भनक लगते ही खुद गोल हो गया। मैडम मुश्ताक नहीं है घर पे, कहीं निकल गया शायद। तो कौन है घर पे? उसका कोई मामा है। लेकिन मैडम मैं तो बोलता हूँ इस मामा को ही उठा लूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद उसको शक हो गया कि मैं खबरी हूँ। सीधा मुश्ताक को इख्तला करेगा। फिरोज तो बहुत दिनों से नहीं दिखा, कहाँ गया क्या पता। कम से कम दो हफ्ते तो हो गए। कोई नंबर वंबर छोड़ गया? नहीं, उसके पैसे लौटाने थे, 10,000 लिए थे। एक अरसे से पीछे लगा था, लौटा दो। कर्जत में उसकी बुआ रहती है, उसके पास बहुत आना जाना है उसका। मामू जान अपने भांजे मुश्ताक की ससुराल का एड्रेस बताओ। भोपाल में है। भोपाल में कहाँ? पूरा एड्रेस। मैडम जी मुझे उसका एड्रेस नहीं मालूम है, बस इतना पता है कि वो सिराज नगर भोपाल के मार्केट के पास कहीं पर रहता है। मैंने दिन इतना समझ लिया कि अगर शाम होने से पहले तेरा भांजा मुश्ताक हमारे सामने हाजिर नहीं हुआ ना तो तू अंदर होगा। साहब जी वो मेरा भांजा है लेकिन वो मेरी सुनता कहाँ है? हालांकि कल मेरी उससे बात हुई थी, वो भोपाल में ही है। ठीक है तो फिर से फोन कर और बातों में उसे एड्रेस ले। जी साहब। ये फिरोज की बुआ कर्जत में कहाँ रहती है? ये अभी तक हाथ नहीं लगा है। कर्जत में अपना राजू खबरी है, दौड़ा उसे। ये फिरोज खान कर्जत में हो या अपनी कब्र में, किसी भी हालत में मुझे ये मेरे सामने चाहिए, आज शाम होने के पहले। चंदा जी, मुश्ताक कहाँ है? जी वो अंदर है। पर आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? अरे रुकिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं? मैडम आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मैडम मैडम मेरे शौहर ने कुछ नहीं किया। मैडम कहाँ लेके जा रही हूँ उन्हें? मैम रुकिए तो सही, मैं काफी टाइम से रुके हुए थे और अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं। चल। सब क्या हुआ? अच्छे से धोया ना दोनों को। जिंदगी में इतने हादसा कभी नहीं किया सर। नम्रता और अक्षय दोनों के फोन्स कहाँ हैं? वो मेरे बिस्तर के नीचे सूटकेस में। अब तक दोनों के फोन्स बेचे क्यों नहीं? वो उनका आईएमआई नहीं तोड़ा था साहब, तो सोचा कि अभी वहीं पड़े रहने देते हैं। तुम लोगों की बैकअप देने वाली टेक्निकल टीम भी है? कौन कौन है तुम्हारी टीम में? आईएमआई नंबर किससे तोड़वाने वाले थे? कोई मिला नहीं साहब, और फिर इतना बवाल हो गया तो लगा कि वहीं पड़े रहने देते हैं। मर्डर, डबल मर्डर, क्यों किया, कैसे किया, किसके लिए किया, ये सारी डिटेल्स तू देगा मुश्ताक। साहब ये आप उनका पहली बारिश था, ये फिरोज भाई बोले वो पहले कई बार कर चुके। ए मुश्ताक क्या हुआ था के पॉइंट पर? उस दिन साहब 7 जून की शाम को वहां के पॉइंट पर भाई
नीचे बाइक पार्क है, मतलब के पॉइंट पर पक्का कोई गया होगा। ऊपर जाते देखा किसी को? नहीं भाई, देखा तो नहीं, लेकिन उस दिन आप ही तो बोल रहे थे कि ऊपर के पॉइंट पर सारे कपल ही जाते हैं नीचे बाइक पार्क करके, कोई ना कोई तो गया होगा। चल, फिरोज तो इससे पहले भी मर्डर कर चुका है। नहीं साहब, इससे पहले मैं चौपर देखा कि लूटा है सिर, कभी कभार टेंशन में मैं वार खींचा, लेकिन वो भी हाथ वाथ पर साहब। तो इस बार क्या हुआ? इस बार सब गड़बड़ हो गया साहब, आउट ऑफ कंट्रोल। यार मतलब गोवा वाला प्लान कैंसिल करना पड़ेगा? मैं काम करता हूँ, मैं अभी जाकर दीपेश को उसकी थीसिस लौटा देता हूँ। तो काजल क्या वेट कर, फिर रात की बस से निकल जाए, या फिर बाइक पर ही निकलेगा। बाइक पे जाते हैं, मजा आएगा। किधर जा रहे हैं बाइक से? क्या क्या चाहिए तुम लोगों? भाई यहाँ क्या कर रहा है? साहब, रेप करने का प्लान नहीं था हमारा। तो कपड़े उतारने के लिए क्यों बोला है? ये फिरोज भाई का प्लान था, ये बोले कि ये पहले भी कपड़े उतरवाए हैं, साहब उनकी कोई गलती नहीं है साहब। क्यों? वो इसलिए साहब कि तुरंत तुरंत लूटने के बाद वो हमारा पीछा ना करे। उस दिन सब गड़बड़ हो गया साहब, वो लड़का अक्षय, ये मुश्ताक पर हमला कर दिया। छोड़ उसे, रहने दे भाई, सोने की है। मैं बोला ना छोड़ उसे। तीन हजार है, डेढ़ मेरे। चल चल भाई, भाई ये लौंडे की घड़ी। गाड़ी छोड़, दोनों के मोबाइल उठा फटाफट। चल 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 चल। अभी निकलेंगे तो खून दिख जाएगा, अंधेरा होने तक यहीं इंतजार करते हैं। सोने की चेन छोड़ दी, घड़ी छोड़ दी, अब नीचे बाइक पार्क है, कम से कम वो तो ले चलेंगे ना। फिर नहीं ले चलेंगे, ये बोला ना मैं इधर से। पर क्यों? मैं बाइक घड़ी और चेन लेके जाएंगे तो सीधा केस लूट वाला लगेगा, अभी पुलिस चक्कर काटती रहेगी, किसने मारा क्यों मारा, थोड़े दिन बाद केस बंद हो जाएगा। फिरोज तू कई बार अंदर बाहर हो चुका है ना? साहब पहली बार मर्डर किया, इससे पहले कभी गलती हो गई साहब, माफ कर दो, गलती हो गई माफ कर दो। बस साले, जिस लड़का लड़की को तूने मारा है ना, वो होनहार स्टूडेंट थे, अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते थे, अपनी जिंदगी में कुछ बन सकते थे। तेरे जैसे लोगों को एक बार अंदर करके इतना तोड़ना चाहिए कि अपनी जिंदगी में दोबारा कुछ करने के लायक ही नहीं रहे। ये उनका पहला कांड है जिसमें वो पकड़े गए? You mean, एक भी कंप्लेंट फाइल नहीं है इस फिरोज के खिलाफ? नहीं है सर, शायद कपल्स शर्म की वजह से आगे नहीं आए होंगे, वैसे भी ज्यादातर कपल्स घर वालों से छुपकर ही मिल रहे होते हैं। मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स रिकवर हुए? यस सर। इन दोनों के अगेंस्ट इतनी तगड़ी चार्जशीट बनाओ कि अगले जन्म तक इन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। श्योर सर। आने दो ह्यूमन राइट्स वालों को अपने झंडे हिलाते हुए, हम भी झंडे गाड़ कर उनका मुकाबला करेंगे। सिर्फ चोरी का इरादा था? सिर्फ 3000 के लिए? जो हुआ भयंकर हुआ, नहीं होना चाहिए था। हमारी इन्वेस्टिगेशन को लेकर आप लोग काफी परेशान हुए, उसके लिए सॉरी। हम इस केस को लेकर बहुत प्रेशर में थे, बुरी तरह से फंसे थे। आप लोगों के बच्चे मारे गए, हमें इसका खेद है। खूबसूरत, खामोश, एकांत वाली लोकेशंस हर शहर की, हर कस्बे की जरूरत होती हैं। प्रकृति में लोग तरोताजा हो सकते हैं और प्रेमियों के लिए तो ऐसी लोकेशंस परफेक्ट होती हैं। यहां आने वाले हर नागरिक को डर से पूरी तरह मुक्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है, जो अक्सर हम निभा नहीं पाते। ज्ञान देना बहुत आसान है किसी को कि सुनसान जगह पर मत जाओ, अपना ख्याल रखो, जुर्म के खतरे को न्योता मत दो, पर क्या ऐसा डर का माहौल सही है? यह हमारी जिम्मेदारी है कि हर नागरिक हर जगह हर समय सुरक्षित महसूस करे,
वो वहां जो करना चाहता है करे, ये उसकी आजादी है। पर दुर्भाग्यवश फिलहाल ये आजादी सिर्फ क्रिमिनल्स को हासिल है। वो डंके की चोट पर दूसरों की आजादी लूट लेते हैं। ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक, खासकर हमारे लिए जो वर्दी में। हमारा फर्ज है कि हम ऐसे माहौल को बदल दें। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।